बहुत सारे लोगों का डिमांड सर, मैं 12 साल, 15 साल, 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, आप बहुत ज़्यादा मुझे रिस्क फ्री भी नहीं रहना है। इसका सीधा मतलब है कि भैया आपको मिड कैप के अंदर जाना है, ना ज़्यादा रिस्क और नहीं। तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत कम वॉलिटी भी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा वॉलिटी भी नहीं रहती है, एक तो मीडियम टर्म का वॉलिटी आपको देखने को मिलेगा। और इनमें से मैंने जो 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स लिए हैं जो कमाल के रिटर्न्स बना के दिए हैं, और रिटर्न्स के साथ साथ इसकी वॉलिटिलिटी, रिस्क एडजस्टमेंट, बीटा, अल्फा कमाल का है सर, फंड साइज कमाल का है, एक्सपेंस रेशियो बेहद कम है। बात करेंगे आस पास के टॉप मिड कैप फंड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से बताना चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का मेरा जो वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही खतरनाक होने वाला है सर। पहला फंड जो मैंने लिया है, पहला फंड आपको देखने में लगेगा, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, यहाँ पे ऐसे। ये हमारा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, ये 2013-14 में आया था, बहुत पुराना फंड है सर। मैंने नए फंड्स के चक्कर में नहीं पड़े, पुराना फंड से। और फंड साइज देख रहे हो आप, 14,500 करोड़ करीब फंड साइज है इसके, 14,445 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 0.58, बहुत कमाल का है। शार्प रेशियो वेरी गुड है सर, कमाल का है। अल्फा यानी कि अल्फा क्या करता है, अल्फा ये बताता है कि भैया आपके बेंच मार्क जो है ना, जिस बेंच मार्क में बिलोंग करता है फंड, उससे कितना बड़ा रिटर्न बना के दिया है। तो लगभग 12% अधिक का रिटर्न बना के दिया है। बीटा 1 के नीचे अगर है तो कमाल का है, जितना कम है बीटा उतना बढ़िया। मीन 30 के ऊपर दिखाई दे रहा है, कमाल का सर। 20 के नीचे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इस फंड में कमाल का सर पोटेंशियल है। अब बात करेंगे रिटर्न्स पे, रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखिए 68% का रिटर्न्स एक साल के अंदर, जबकि इसके बेंचमार्क ने 47% रिटर्न्स बना के दिया। 3 साल के अंदर इसने लगभग 40% का रिटर्न्स बना के दिया है, उसके बेंचमार्क ने 26% का रिटर्न्स बना के दिया है। और इसके देखिए, इससे जो बीच वाला है ना, वो एवरेज कैटेगरी एवरेज है, कैटेगरी एवरेज वाले। 5 साल के अंदर 36% रिटर्न्स, इसके बेंचमार्क ने 31% रिटर्न्स बना के दिया है। 10 साल के अंदर 22% का रिटर्न्स, और इसके बेंचमार्क ने 29% रिटर्न्स बना, सॉरी 19% रिटर्न्स बना के दिया है। ओवरऑल यानी कि अभी लगभग 10-11 साल हो गए इस फंड के आए हुए, और इसने 26.5% का रिटर्न्स बना करके दिया है। अब 26.5, तो आप अनुमान लगा लीजिए। देखिए आप ऐसे देख ले, 3 साल के अंदर इसने क्या किया, आपका पैसा कैसे डबल किया, डबल से भी ज्यादा कर देगा सर। आप देख लो, 3 साल के अंदर इसने क्या किया, 38% रिटर्न दिया है। अप्रोक्सीमेटली अगर देखे तो 39% रिटर्न दिया है। 39% का रिटर्न आपको 3 साल के अंदर दिया, यानी आपका पैसा 1 लाख रुपए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 3 साल से पहले ही डबल हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, कमाल है ना। नेक्स्ट फंड पे आते हैं, नेक्स्ट भी कमाल का फंड है। 5 के टॉप फंड्स लिए मिड कैप का मैंने, फटाफट इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। दूसरा फंड मैंने जो लिया है क्वांट मिड कैप, ये 2013 में आया था फंड, और इसकी फंड साइज है 9,227 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 0.58, शार्प रेशियो वेरी गुड है, 1 रहता है मिनिमम, 1 रहे तो ठीक है भैया गुड है, 1 के ऊपर अगर दिखे तो 0.1.5 कमाल का है सर। अल्फा यानी कि बेंचमार्क से इसने लगभग 6-7% का अधिक रिटर्न्स बना करके दिया है। बीटा की बात करें तो बीटा 1 से नीचे दिखाई दे रहा है, कमाल का है। मीन डेविएशन तो जबरदस्त है, 30 का है, और 20 के नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये भी कमाल का है। अब बात करते हैं रिटर्न्स का, तो देखिए 1 साल के अंदर 52% का रिटर्न्स बना के दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने 47% का रिटर्न्स बना के दिया। 3 साल के अंदर इसने 32% रिटर्न्स बना के दिया है, और इसके बेंचमार्क ने 26% का रिटर्न्स बना के दिया है। अब बात करेंगे 5 साल के अंदर इसने 39% का, और इसने देखिए 31% का। 10 साल के अंदर इसने 21% और 19%, और 20% का ओवरऑल इसने रिटर्न्स बना दिया, 20% का ओवरऑल रिटर्न्स बना दिया सर। अगर 3 साल की बात करें तो लगभग 32-33% रिटर्न्स बना दिया। अगर इसको बात करें 3 साल के अंदर, तो आपके पैसे को ये डबल करने में कैपेबिलिटी रखता है, यानी अगर इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल के अंदर आपका पैसा क्या हो जाएगा, डबल।
लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, इसमें बहुत बढ़िया स्कोप है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, बहुत बढ़िया जबरदस्त फंड है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया फंड है, आप ऐसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तीसरा जो मैंने फंड लिया है वो भी कमाल का सर, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, 2013 में आया था और इसकी फंड साइज 75,000 करोड़, 0.72% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, शार्प रेशियो 1.56, कमाल का है सर। इसमें अल्फा यानी कि 4.63% का इसने अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न्स बना के दिया है, बीटा 1 के नीचे 0.86 और मीन डेविएशन 27.28 का मीन दिखाई दे रहा है, कमाल का है सर। और यहाँ तो इसकी 15 के भी नीचे इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कि आपकी वॉल्टिलिटी को क्या करता है बताता है, तो 15 के भी नीचे जितना कम रहेगा उतना ही कम वॉल्टिलिटी, इसने 48% का रिटर्न्स बना के दिया है, 48% का एक साल के अंदर, 3 साल के अंदर लगभग 29-30% रिटर्न्स बना के दिया है, 5 साल के अंदर 31.87 का रिटर्न्स बना के दिया है इसने, और 10 साल के अंदर इसने 20% का रिटर्न्स बना के दिया, और ओवरऑल अभी तक इसने अपने ओवरऑल जीवन काल के अंदर इसने लगभग 22% रिटर्न्स बना के दिया। चौथा फंड जो हमने लिया है वो है हमारा महिंद्रा मैनुलाइफ, ये भी 2018 में, बहुत पुराना फंड है, 2018 में आया था, ये है इसकी एमयू की बात करें तो 3000, 0.43% इसकी एक्सपेंस रेशियो है, शार्प रेशियो ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है, 1.42 का है, अल्फा 3.11 का है, बीटा 1 के नीचे आपको ट्रेंड करते हुए दिख रहा है, मीन डेविएशन 28 और स्टैंडर्ड डेविएशन 15। बात करें अगर रिटर्न्स का तो 56% का रिटर्न्स बना के दिया है, हालांकि इसके बेंचमार्क ने 47% रिटर्न्स बना के दिया, अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न्स बना के दिया, ये भी 29.51 और ये भी लगभग 26% का रिटर्न्स बना के दिया है, 5 साल के अंदर 34% का रिटर्न्स, जबकि इसके बेंचमार्क ने 31% का रिटर्न्स बना के दिया, ओवरऑल अभी इसने 24% का ओवरऑल रिटर्न्स बना के दिया है, बहुत बड़ा रिटर्न्स नहीं है, बहुत बड़ा मतलब कहें कि 2018 में 6 साल पुराना फंड है, तो इसने 3 साल के अंदर अपने पैसे को 3 साल के अंदर पैसे को आपके डबल करने के इसके अंदर पोटेंशियल। जो नेक्स्ट फंड मैंने लिया है वो है हमारा एडेलसिस का, जो 2013 में आया था, फंड साइज इसकी लगभग 7,000 करोड़ करीब फंड साइज है, एक्सपेंस रेशियो 0.39, बहुत कम माल का, बहुत कम एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, शार्प रेशियो 1.43, अल्फा आपको 3.3 का दिखाई दे रहा है, बीटा 1 के नीचे ट्रेंड कर रहा है, मीन डेविएशन 27, कमाल का सर, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 14-15 के भी नीचे दिख रहा है, 1 साल के अंदर इस फंड ने कमाल के रिटर्न्स बना दिया 60% रिटर्न्स, 3 साल के अंदर 28.46% का और 5 साल के अंदर 34% रिटर्न्स बना दिया, तो कमाल के रिटर्न्स है सर, जबरदस्त रिटर्न्स है इसमें, और ओवरऑल इसने लगभग 24% का रिटर्न्स बना दिया, ओवरऑल का मतलब कि 11-12 साल जो इसकी एज हो रही है उसे 11-12 साल के एज में इसने कमाल का रिटर्न्स बना करके दिया है। ये 5 के जो मैंने मिड कैप लिए हैं जिसने 3 साल के अंदर अपने आपके पैसे को डबल करने के अंदर इसके पोटेंशियल है, कमाल का इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है जबरदस्त सर, मैं टेक्निकल एनालिसिस किया, कमाल का है, वॉलिटिलिटी है, शार्प रिस्क का बढ़िया है, बीटा है, मीन डेविएशन बढ़िया है। आप इस वीडियो से आपके कुछ भी थोड़ा सा वैल्यू ऐड हुआ हो तो भाई जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि इस तरह कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।